हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फिर चलिए बात करते हैं कल बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसे हम ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। साथ ही बात करेंगे कुछ स्टॉक्स में जिसमें आप कैश में भी काम कर सकते हैं और ऑप्शंस में भी काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी के आज के सेटअप के बारे में। कल हमने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी का ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो बैंक देखने को मिलेगी और एग्जैक्ट मार्केट गैप अप ओपन हुआ, मैसिव गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद मार्केट में बाइंग आई और बाइंग आकर कितना अच्छा रैली आज देखने को मिला। कल ही मैंने आपको शाम को इंडिकेट कर दिया था कि मार्केट आप गैप अप होने वाला है, उसी वजह से मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में भी कॉल बाय करने के जाने के लिए सलाह दी थी, जो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है ऑलमोस्ट आपको 190 पे बाय किया हुआ, आपका कॉल जो है 340 के रुपीज़ के आसपास जाके सेल हुआ। इसके पीछे रीजन क्या था, ये लास्ट जो 15 मिनट जो बाइंग आई थी दैट इज़ वेरी फास्ट बाइंग, इसकी वजह से एक इंडिकेशन मिला था मार्केट कल गैप अप हो सकता है और फाइनली हुआ भी। आप चाहे तो कल का वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं। अब बात फ्रेंड्स बात करते हैं आज के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। तो क्लियरली आप देखते हैं कि जब मार्केट मैंने मॉर्निंग में डेट अपडेट किया था कि ये हमारा रेजिस्टेंस, अब देखेंगे रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट कितनी देर तक यहाँ पे सस्टेन किया, उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ये ब्रेकआउट का ट्रेड्स किया, काफी अच्छा पैसा इसको भी बना, उसके बाद मार्केट फिर से साइडवेज हो गया और साइडवेज होकर नीचे आया। नीचे क्यों आ गया, क्योंकि अगेन ये लास्ट टाइम का जो है प्रीवियस हाई है और प्रीवियस हाई को जाहिर सी बात जब तक 3-4 बार टेस्ट नहीं कर लेगा तब तो इसको ब्रेक नहीं कर पे, बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई को नहीं बनाई थी, आपका फिर से नहीं बनाएगा, इसलिए मार्केट में यहाँ पे पोजीशन सेल हुआ। साथ में आपकी यूएस की फेड मीटिंग भी है जिसमें आपको फिर से जो रेट्स हैं वो बढ़ाने की बातें चल रही हैं, तो उसका कंसर्न भी मार्केट को है, तो उसके लिए ये शार्प सेलिंग या प्रॉफिट बुकिंग इसको आप कह सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं कल का ट्रेडिंग सेटअप बहुत ही क्लियर है, जो आज का सेटअप है सेम सेटअप कल का ही फॉलो होगा। मार्केट जो क्लोज हुआ है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर जाती 41,500 का लेवल, इसके नीचे क्लोज हुआ है, दैट मीन्स अगर मार्केट खुलते ही अगर इसके आसपास ओपन होता है दैट देन 41,400 जैसे क्रॉस करता है वैसे सेलिंग प्लान कर सकते हैं। टारगेट आपका 41,200 तक का टारगेट आपका होना चाहिए, ये आपका रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ तक आपका सपोर्ट एरिया, यहाँ तक मार्केट आपका आ सकता है। अगर मार्केट यहाँ तक आता है देन मार्केट यहाँ से बाउंस हो सकता है, या मार्केट कल वेडनेसडे का दिन प्रीमियम मीटिंग का दिन भी हो सकता है, तो मार्केट इसी के बीच में टाइम अपना लगा सकता है। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक डाउन करता है देन आप मेजर फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, जो अगेन 41,000 का इंपॉर्टेंट लेवल है उसको सपोर्ट करेगा, देन 40,800 का लेवल तक मार्केट नीचे जा सकता है। बात करते हैं अपर साइड में, तो अपर साइड अभी जाने की पॉसिबिलिटीज बहुत ही कम है, फिर भी अगर मार्केट जो इस रेजिस्टेंस को पार करता है तभी आपको एक अच्छा खासा रन देखने को मिलेगा, जो अगेन लाइफ टाइम हाई को टच करने के पास, मतलब रेंज ज़्यादा आपके पास बड़ी अपर साइड के लिए नहीं है। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन होता है, गैप डाउन इसके आसपास होता है, तब आप एक चांस ले सकते हैं बाउंस बैक के लिए, जिसका टारगेट आपका यहाँ तक का टारगेट आपका हुआ, दैट मीन 41,200 के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है देन आप बाई प्लानिंग कर सकते हैं, सी प्लानिंग कर सकते हैं, टारगेट आपका 41,500 के आसपास ही होने वाला है। क्लियर, ये थे डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके बैंक निफ्टी के बारे में, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स निफ्टी ने क्या किया। फ्रेंड्स कल हमने डिस्कस किया था निफ्टी के बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था ये वाला, मार्केट जैसे इसके ऊपर निकलेगा क्योंकि बॉक्स तरह के रेंज में ट्रेड कर रहा था, इसके ऊपर निकलेगा तो अच्छा खासा रन बना के देगा और गैप अप हुआ, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स का गैप अप हुआ और गैप अप होने के बाद ही मार्केट आगे ऊपर चला गया और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था वहीं पे मैंने अपडेट भी किया था, यहाँ पे मार्केट बहुत देर तक रहा, वापस मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, तो निफ्टी में भी मतलब बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ने इस जगह पर ब्रेकआउट किया, तो एक अच्छा ट्रेड मिला होगा, अच्छा प्रॉफिट भी आप 100 रुपये से लेकर 150 पॉइंट तक देखने को मिला होगा, उसके बाद फिर से मार्केट साइडवेज हो गया और लास्ट में ये सेलिंग आई। क्लियर ना, बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। तो क्लियरली मार्केट जो इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, यानी मार्केट जो है 17,800 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, ये बहुत ही कंसर्न वाली बात है। तो अगर मार्केट इसके आसपास ही ओपन होता है देन आप शॉर्टिंग कर सकते हैं, शॉर्टिंग का लेवल जो आपका प्रॉफिट होगा दैट इज 17,660 तक आपका लेवल होने वाला है। अभी इसे तक प्लानिंग मत करिए कि इसे अगर मिल जाए उसके, इसे अगर मिलता है तो आपका लक है, अदरवाइज इसकी ज़्यादा प्लानिंग मत करिए क्योंकि मार्केट अभी पूरा स्कैल्पिंग मोड में है, अब बहुत ज़्यादा मार्केट ऊपर डाउन है जिससे केवल एसएल हैंडलिंग हो रही है, तो थोड़ा सा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स को बुक करते रहिए। यहाँ इधर शॉर्ट करते हैं तो आपका टारगेट यहाँ तक होना चाहिए, अगर इसको ब्रेक करता है देन आपका टारगेट ये वाला लेवल है 17,580 का लेवल और फिर इस लेवल के बाद आपको मार्केट में 17,420 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। बात के अपर साइड में, अपर साइड जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करता था, इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, 17,920 लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक मार्केट में फिर से बुल रैली आने वाली नहीं है, यानी जो कॉल बायर्स हैं उनको अभी वेट करना पड़ेगा मार्केट को उसको ब्रेकआउट करने के लिए। फिर भी अगर गैप अप से ब्रेकआउट करता है देन आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, टारगेट आपका 18,050 तक टारगेट आपका अपर साइड में होना चाहिए।
फ्रेंड्स, ये थी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में। चलिए बात करते हैं कुछ स्टॉक्स में जिसमें आपको ट्रेड प्लान करना है। सबसे पहला स्टॉक है आपका ABFR, आदित्य बिरला फैशन। जी हाँ फ्रेंड्स, ABFL आदित्य बिरला फैशन काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे, अगर आप देखेंगे 342 लेवल का ब्रेकआउट लेवल है। वॉल्यूम्स भी आप पिछले दिनों में काफ़ी अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो अगर मार्केट जो है 342 लेवल को कल निकालता है, ध्यान है कल 342 लेवल को निकालता है, तो आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को इसमें आपको मिल सकता है। इस स्टॉक को जरूर अपने रडार पे आप रखिएगा। बात करते हैं अनदर स्टॉक की जिसमें कल ट्रेड प्लान कर सकते, दैट इज योर ग्लेनमार्क फार्मा। गाइस, ग्लेनमार्क फार्मा क्यों इंपॉर्टेंट, आप देखिए मार्केट आपका एक रेंज बना हुआ है, रेंज में होने के बाद मार्केट ये आपका 50 डेज मूविंग एवरेज है, यानी 50 डेज मूविंग एवरेज इसके ऊपर क्लोज दिया है आपका ग्लेनमार्क फार्मा ने, और ये बहुत ही अच्छा एक स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है यहाँ पे। तो इसलिए कल जैसे ही मार्केट 382 को निकालता है, ध्यान 382 को निकालता है, देन आप इसमें पोजिशंस बना सकते हैं। टारगेट आपका 1:2 का इसमें आपका होना चाहिए। बात करते हैं थर्ड वन स्टॉक की, दैट इज योर इंटरग्लोब एविएशन, या जिसको आप इंडिगो भी कहते हैं। ध्यान रखिए एविएशन सेक्टर है, फ्लाइट सेक्टर की आपकी ये कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती है। तो देखिए आप मार्केट डाउनफॉल हुआ, डाउनफॉल में बहुत ही अच्छा एक मॉर्निंग स्टार टाइप का पैटर्न बनाया है इसने, काफ़ी बड़ा लग रहा है लेकिन मॉर्निंग स्टार टाइप का पैटर्न लग रहा है। दैट मीन जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकालता है, जो आज का 920 का लेवल है, 920 के लेवल जैसे ही मार्केट निकालता है, उसके बाद मार्केट में एक अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है, जो 1960 तक के मार्केट को टारगेट आपको दे सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये डिटेल्स आपकी एनालिसिस जो है बैंक निफ्टी और निफ्टी के समझ में आ गई होगी, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब बेल दबाना मत भूलिएगा, जिससे इस तरह की जो ट्रेडिंग अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर अपने ट्रेड अपडेट में पोस्ट करता हूँ, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है ट्रेड को डिसाइड करने में और आपको कैपिटल से बचाने में। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में नए एनालिसिस के साथ। पूरा देखने प्यार पूर्वक धन्यवाद।